हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो लेवल ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं आज आपके इस वीडियो में बताऊंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर टैप करिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @shubhamsamkumar। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कार्यालय में नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? एक्चुअली पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 स्ट्रक्चर में था, उसे कंप्लीट रिप्लेस कर दिया गया है और अब हमारा एजुकेशन सिस्टम 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर सेम है, ऐसा नहीं है कि कोई एडिशनल ईयर यहाँ पर ऐड किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। 10+2 को सिर्फ डिवाइड किया गया 5+3+3+4 में। तो ये 5+3+3+4 है क्या? ये है चार स्टेज। तो पहला है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा है प्रिपेरेटरी स्टेज, तीसरा है मिडिल स्टेज एंड फोर्थ वन इज सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज होगा 5 सालों का, जिसमें 3 साल से 8 साल के बच्चे होंगे, जिसमें पहला जो 3 साल है, जो बच्चे होते हैं, जो पहला जो 3 साल है वो आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या फिर प्ले स्कूल बोल सकते हो उसको, उस टाइप के स्कूल में ये बच्चे अपना पढ़ाई का काम करेंगे। उसके बाद KG 1 आता है, फिर KG 2, और उसके बाद Class 1 और Class 2। इस फाउंडेशनल स्टेज में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है फोकस करेगा, बच्चे को लैंग्वेज स्किल जो है उसको डेवलप किया जाएगा और साथ ही बच्चे को एक्टिविटी या फिर खेल के माध्यम से उसे पढ़ाया जाएगा और उस पर ज़्यादा प्रेशर दिया नहीं जाएगा। यही है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फर्स्ट स्टेज नोन एज फाउंडेशनल स्टेज। सेकेंड स्टेज है प्रिपेरेटरी स्टेज। प्रिपेरेटरी स्टेज में बच्चों को 3 साल देना पड़ेगा, मतलब 8 साल से 11 साल के बच्चे इसमें रहेंगे, मतलब Classes 3 to Classes 5। यहाँ पर भी बच्चों को लैंग्वेज स्किल डेवलप किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों को न्यूमेरिकल के बारे में बताया जाएगा, नंबर से रिलेटेड जो भी है यहाँ पर उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, मतलब कि बच्चे अब आसानी से मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। पहले स्कूलों में क्या होता था कि बच्चों को ज़बरदस्ती इंग्लिश थोपा जाता था कि इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश टॉकिंग, इंग्लिश ईटिंग, लेकिन अब वैसा नहीं है। यहाँ पर हमारी जो सरकारें हैं 3 लैंग्वेज प्रोवाइड करेंगी बच्चों को, लोकल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज एंड शायद इंग्लिश वगैरह हो सकती है, जिसमें से राज्य सरकार के पास ये अधिकार होगा कि कौन सा लैंग्वेज चूज करे। थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बच्चों को 3 साल देना पड़ेगा, मतलब Classes 6 to 8। मान लीजिए कोई बच्चा है उसको इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, वो किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाके उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकता है। अब बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट है और उससे उसको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा, तो एग्जाम वगैरह में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद है ना ओन वर्ड में आंसर लिखने में काफ़ी इजी होता है। फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पे बच्चों को 4 साल देना पड़ेगा, Classes 9 to 12 फोर्थ स्टेज में होंगे, जो कि है सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की यह है कि यहाँ पर ना 10 के बाद पहले क्या होता था, स्ट्रीम चुना जाता था कि बच्चों को साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, अब जिस बच्चों को फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है और हिस्ट्री भी पढ़ना है वो दोनों सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इस बार क्या होने वाला है, 9, 10, 11, 12 में जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें अब बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला है। बच्चे पहले क्या करते थे, फाइनल में पढ़ते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता था कि इग्नोर कर देते थे या फिर थोड़ा सा कम तैयारी होता था, दिस दैट वगैरह वगैरह, लेकिन अब क्या होगा, हर क्लास में 2 सेमेस्टर होगा। Semester 1 में भी आपको पढ़ना होगा, वो भी एक बोर्ड एग्ज़ाम जैसा होगा, और Semester 2 भी, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। और फिर फाइनल का रिजल्ट कैसे तैयार होगा, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका फाइनल का रिजल्ट तैयार होगा। मान लीजिए कि आप Class 10 में है या Class 12 में है, तो Class 10 का पहले स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। Class 10 में जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, तो मान लीजिए कि साइंस में 20 चैप्टर है, तो आपको 20 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ता है क्योंकि फाइनल है, फाइनल में सारे चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू 5+3+3+4 स्ट्रक्चर
आपका एग्जाम दो सेमेस्टर में बट गया है, आधा चैप्टर आपका सेमेस्टर वन में आएगा, आधा चैप्टर सेमेस्टर टू में आएगा। इससे क्या हो रहा है कि पहले के मुकाबले आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो काफी इजियर हो जाएगा। लेकिन बच्चे अब बहाना नहीं बना सकते कि अब मुझे साल के अंत में पढ़ना है, अब बच्चों को सालों भर पढ़ना होगा, पूरे साल पढ़ाई की तैयारी करनी होगी, क्योंकि सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू दोनों अब बट चुका है, दोनों उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले के स्ट्रक्चर में फाइनल इम्पोर्टेंट था। अब मैं बात करूंगा कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन सिस्टम के बारे में। तो मान लीजिए कि आप 12 में पढ़ते हैं और आप 12 का एग्जाम में आपका मार्क्स कम आया है, तो आप एडमिशन कैसे लोगे? तो यहाँ पर सरकार के द्वारा कॉलेजों को यह अधिकार दे दिया गया है कि कॉलेज अब अपने से एक एप्टीट्यूड टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा, उस टेस्ट के अनुसार बच्चों को वो अपने कॉलेज में एडमिशन लेगा। अंडर ग्रेजुएशन सिस्टम में पुराने स्ट्रक्चर के अनुसार अगर बच्चे एक साल पढ़कर कॉलेज छोड़ देते हैं तो उसके पूरा साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। न्यू स्ट्रक्चर 5+3+3+4 के अनुसार, न्यू एजुकेशन 2020 पॉलिसी के अनुसार, अगर बच्चे एक साल कॉलेज छोड़ देते हैं पढ़कर तो उसे सर्टिफिकेट का डिग्री मिलेगा, अगर बच्चे दो साल कॉलेज पढ़कर छोड़ देते हैं तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर बच्चे तीन साल कोर्स करके छोड़ देते हैं तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगी, अगर बच्चे चार साल का बैचलर कोर्स करते हैं तो उसे बैचलर डिग्री विथ रिसर्चर का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब मैं बात करूंगा हाइलाइट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहला पॉइंट कि कम से कम 34 सालों के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव किया गया है। दूसरा है आवर 10+2 स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू 5+3+3+4 न्यू एजुकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर। तीसरा है हमारे देश का कुल जीडीपी का 6% हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब खर्च किया जाएगा। एंड फोर्थ वन है कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई चाइल्ड स्कूल से पास आउट होता है तो उसके पास एटलीस्ट वन स्किल जरूर होगा, मतलब कि उसके पास एक हुनर का सर्टिफिकेट जरूर होगा। कि मैंने पहले भी बताया था कि बच्चे को अगर इलेक्ट्रिसिटी से इंटरेस्ट है तो वो इलेक्ट्रिशियन के पास जाके उसका प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं और उसको वहाँ पर इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके अब एजुकेशन मिनिस्ट्री भी होने वाला है। सिक्स वन है कि क्लास सिक्स के बच्चे अब क्लास सिक्स में ही कोडिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। सेवन्थ वन है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल हायर एजुकेशन। एंड नाइन्थ वन है ई कोर्सेस इन रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि राज्य में, हमारे भारत में हर राज्य में अलग अलग रीजनल भाषाएं हैं, अब हर भाषाओं में अब अलग अलग ई कोर्सेज की भी सुविधा आप तक पहुंचेगी। टेंथ वन है कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है बोर्ड एग्जाम तो उसकी कॉपी को कौन जांच करेगा? पहले वो बच्चा खुद ही अपने कॉपी को जांच करेगा, फिर उसके मित्र उस कॉपी को जांच करेंगे और आखिर में टीचर उस कॉपी को जांच करके पूरे फाइनल रिपोर्ट कार्ड को तैयार करेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें ताकि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर टैप करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद, मैं शुभम कुमार वर्मा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।